नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शाहनवाज़ है और आज हम बात करने वाले हैं पैनासोनिक रेसिडेंशियल एयर कंडीशनर 2019 की। अब 2019 में पैनासोनिक कंपनी ने भी बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं नए नए फीचर्स के साथ में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 रीज़न की। तो आप ये वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहीं पर आपको मिलती है टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी जानकारी पूरी डिटेल में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले रीज़न की बात करें तो सबसे पहला रीज़न आता है ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। पैनासोनिक के 2019 के बहुत सारे मॉडल्स के अंदर कंप्रेसर के अंदर दो रोटरी दिया हुआ है, जिसकी वजह से पैनासोनिक का भी एसी काफ़ी ज़्यादा पावर सेविंग करता है, उसका भी बिजली का बिल काफ़ी कम आता है और उसका भी नॉइस लेवल काफ़ी कम रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। तो दोस्तों, अगर हम सेकेंड रीज़न की बात करें तो दूसरा रीज़न आता है पैनासोनिक का इको टफ डिज़ाइन वाला आउटडोर। अगर आप किसी भी ब्रांड का एसी लेते हो तो उसका जो आउटडोर आता है वो नॉर्मल होता है। बहुत बार बारिश पड़ने के वजह से उसका जंग निकलने लग जाता है, लाइफ कम हो जाती है। लेकिन पैनासोनिक के एसी का जो आउटडोर आता है वो टफ होता है, यानी कि वो चार चीज़ों को मिला करके बनाया जाता है, जिनमें सबसे पहली चीज़ आती है एल्यूमिनियम, दूसरा आता है मैग्नीशियम, तीसरा आता है सिलिकॉन, चौथा आता है जिंक। इन चार चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ में पैनासोनिक का आउटडोर आता है जो कोरोशन फ्री होता है, उसमें जंग नहीं पकड़ता और उसकी लाइफ मेंटेन रहती है सालों साल। आप उसे किसी भी ब्रांड के आउटडोर के साथ में कंपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर हम तीसरे रीज़न की बात करें तो तीसरा रीज़न आता है PM2.5 फिल्टर। PM का फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलेट मैटर और 2.5 उनकी साइज़ होती है। हमारे रूम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें हमारी आँखों से दिखाई नहीं देते। जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय हमारे लीवर, लंग, किडनी में जाके चिपक जाते हैं, वहाँ से निकलते नहीं हैं। आप कोई भी फिल्टर दे दो, ये हर एक फिल्टर में से पास होकर वापस से आपके वातावरण में घुल मिल जाते हैं। इस वजह से पैनासोनिक कंपनी ने सेपरेटली फ़िल्टर दिया हुआ है जिसका नाम है PM2.5 फिल्टर, जिसकी क्षमता दोस्तों ये होती है कि वो 2.5 mm से लेकर 0.25 mm के मॉलिक्यूल्स को भी डीएक्टिवेट करने में सक्षम होता है। नतीजा, आपको क्लीन एयर मिलती है और उसके फिल्टर्स को आप किसी भी ब्रांड के साथ में इजीली कंपेयर कर सकते हो। ये आपको ज़्यादा प्यूरीफाई एयर देता है। तो दोस्तों, अगर हम चौथे रीज़न की बात करें तो चौथा रीज़न आता है नैनोजी टेक्नोलॉजी। अब जैसे कि हमने पहले बात की कि पैनासोनिक के एसी में भी आपको फ़िल्टर आता है, लेकिन फ़िल्टर्स जो होते हैं दोस्तों वो बैक्टीरिया वायरस के आने का वेट करते हैं। हमारे रूम के अंदर कोने कोने में बैक्टीरिया वायरस फंगस घूमते रहते हैं। अब एसी सिर्फ उन्हीं चीज़ों को प्यूरीफायर कर पाता है जो एयर उसके आसपास घूम रही है। अब बहुत बार दोस्तों ये होता है कि हमें सफोकेशन होता है, सर दुखता है, बहुत सारी चीज़ों से हमें एनर्जी होती है। अब हमारे रूम के अंदर अलग तरह की स्मेल घूमते रहती है, जैसे कि बाथरूम की स्मेल है, खाना बनाने की स्मेल है, अगरबत्ती की स्मेल है, पसीने की स्मेल है, परफ्यूम की स्मेल है। तो इन सारी स्मेल से हमें सफोकेशन होता है, सर दुखता है, हम ताज़ी हवा लेने के लिए घर के बाहर जाते हैं। तो पैनासोनिक के एसी में नैनोजी टेक्नोलॉजी दी गई है दोस्तों। एक छोटा सा डिवाइस है, छोटा सा जनरेटर आपको एसी के अंदर लगा के दिया हुआ है। ये डिवाइस नॉर्मली आपको एयर प्योरीफायर के अंदर आता है। ये क्या काम करता है दोस्तों कि जैसे आप इसे ऑन करते हो, ये ऑटोमेटिकली अपने अंदर से नेगेटिव आयंस को क्रिएट करता है। ये आयंस मिलियंस की तादाद में होते हैं और आपके पूरे रूम में घूमते हुए सारे के सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के ऊपर बैठ के उनके अंदर के प्रोटीन को निकाल के उनको डीएक्टिवेट कर देते हैं और ये आपको फ्रेश एयर जनरेट करते हैं। आप ये समझिए कि आप इसको एज ए एयर प्योरीफायर भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर हम पाँचवें रीज़न की बात करें तो पाँचवा रीज़न आता है 100% कॉपर कंडेंसर। पैनासोनिक के सारे मॉडल्स में आपको 100% कॉपर कंडेंसर आता है, जो टफ होता है, ड्यूरेबल होता है, ईजिली ब्रेक नहीं होता। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आप उसको इजीली रिपेयर कर सकते हो, आपको उसे फेंकने की या रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पैनासोनिक के सारे मॉडल्स में आपको 100% कॉपर कंडेंसर मिलता है। तो दोस्तों, अगर हम छठे रीज़न की बात करें तो छठा रीज़न आता है 832 नंबर की रेफ्रिजरेंट। पैनासोनिक के 2019 के लगभग सारे मॉडल्स में आपको 832 नंबर की रेफ्रिजरेंट आ रही है। 832 का दोस्तों बेनिफिट ये होता है कि वो इको फ्रेंडली गैस है, ग्रीन गैस है, नेचर के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। और अगर आप चाहो तो आप उसको इजीली टॉप अप करवा सकते हो और आप चाहो तो आप उसको इजीली रिसाइकल भी करवा सकते हो। टॉप अप का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपके एसी में इंडोर में, आउटडोर में कहीं पर भी गैस लीकेज हो रही है। कंपनी का बंदा आता है, मशीन से चेक करता है और आपको ये बताता है कि सर इसमें 10% गैस कम है, 400 से 500 रुपये लगेगा, क्या मैं इसे फिल कर सकता हूँ क्या? यानी कि आप उस गैस को ईजिली रिचार्ज करवा सकते हो। ये उसका बेनिफिट होता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम सातवें रीज़न की बात करें तो सातवां रीज़न आता है उनका एरोविंग टेक्नोलॉजी।
पैनासोनिक के एसी का जो फ्लैप होता है दोस्तों, जहाँ से वो एयर थ्रो करता है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वो दो फ्लैप एक साथ दिए हुए हैं और उसमें आपको ज़्यादातर मॉडल्स के अंदर फोर वे स्विंग मिलता है। आप एसी मार्केट में किसी भी ब्रांड के साथ में कंपेयर कर लो, सारे ब्रांड के अंदर आपको टू वे स्विंग आता है, लेकिन पैनासोनिक के 2019 के बहुत सारे मॉडल्स में आपको फोर वे स्विंग दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो पूरे रूम के एरिए को फटाफट कूल करके आपको दे देता है। तो दोस्तों अगर हम आठवें रीज़न की बात करें तो आठवां रीज़न आता है उनका पावरफुल मोड। पैनासोनिक के एसी के लगभग सारे मॉडल्स में आपको पावरफुल मोड का ऑप्शन दिया हुआ है। इसका बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए आप ऑफिस से थके हुए आ रहे हो या आप मार्केट से आ रहे हो, आपके बदन से पूरे पसीने टपक रहे हैं और आपको फटाफट कूल होना हो, तो इसलिए आपके रिमोट में एक ऑप्शन दिया हुआ है पावरफुल मोड का। अगर आप उसे ऑन करते हो तो एसी आपका मैक्सिमम स्पीड पे काम करेगा और फटाफट आपके रूम को आपको कूल करके दे देगा। तो दोस्तों अगर हम नवे रीज़न की बात करें तो नवा रीज़न आता है हिडन डिस्प्ले। पैनासोनिक के बहुत सारे मॉडल्स में 2018 तक की एसी में डिस्प्ले नहीं आता, उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिमोट में डिस्प्ले आता था, लेकिन 2019 में पैनासोनिक कंपनी ने ये चेंजेस किया है कि इनके बहुत सारे मॉडल्स में एसी के अंदर इंडोर यूनिट के अंदर आपको हिडन डिस्प्ले मिलेगा, जिसे आप चाहो तो ऑन कर सकते हो, जिसे आप चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर हम लास्ट रीज़न की बात करें तो दसवां रीज़न आता है उनकी वारंटी। पैनासोनिक के 2019 के बहुत सारे मॉडल्स में आपको एक साल की टोटल वारंटी आ रही है और 10 साल की वारंटी आ रही है कंप्रेसर की। उसके अलावा आपको 5 साल की पीसीबी की वारंटी आ रही है। उसके अलावा जो उनका आउटडोर आता है, जिसे हम कहते हैं टफ आउटडोर, उसमें भी आपको 5 साल की आउटडोर की वारंटी आ रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने एसी के रिगार्डिंग और भी वीडियोज़ बनाए हैं, आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।